Hello learners, welcome to my channel Parminder Computer Success. Yes learners, today I will discuss one previous year question MCS 023 June 2020 mein aapko aaya tha, that write short notes on checkpoints. Right? What is checkpoints? Checkpoints in database is a vital technique to reduce the recovery time in the presence of फेलियर. तो इस लाइन से आपको पता चल गया होगा कि चेक पॉइंट जो है वो रिकवरी में यूज होते हैं. राइट, द चेक पॉइंट इज यूज टू डिक्लेयर ए पॉइंट बिफोर विच द डीबीएमएस वाज इन द कंसिस्टेंट स्टेट. तो ये जो चेक पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे पता चलता है कि जो डीबीएमएस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में है एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस वर कमिटेड, और सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट हो गई हैं. तो डियर लर्नर्स, अगर आपको कमिट का मीनिंग नहीं पता अभी, तो आपके पेपर में एक शॉर्ट नोट आया हुआ था कमिट के ऊपर. आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो दैट व्हाट इज कमिट. ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन सच चेक पॉइंट आर ट्रेस्ड. इट मीन्स कि जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उस टाइम पे इन चेक पॉइंट को ट्रेस किया जाता है. एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स विल बी क्रिएटेड. और जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद लॉग फाइल क्रिएट होती है. नाउ व्हाट इज ट्रांजेक्शन लॉग फाइल? आई हैव गिवन नोट दैट फॉर रिकवरी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फेलियर डेटा वैल्यूज प्रायर टू द मॉडिफिकेशन बिफोर एंड न्यू वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड. कि जब हमने फेलियर से डाटा को रिकवर करना है उस टाइम पे हमें टू टाइप्स की वैल्यूज चाहिए, जो मॉडिफिकेशन से पहले थी और जो मॉडिफिकेशन के बाद थी. सो दीज वैल्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए सिक्वेंशियल फाइल कॉल्ड ट्रांजेक्शन लॉग. तो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो एक सिक्वेंशियल फाइल में स्टोर होती है और उसको हम ट्रांजेक्शन लॉग कहते हैं. आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है दैट व्हाट इज ट्रांजेक्शन लॉग, तो आप यहाँ से उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ले सकते हो. या फिलअप आपको आ सकता है दैट दीज वैल्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डैश फाइल कॉल्ड ट्रांजेक्शन लॉग. तो ये किस फाइल में होती है? इट इज इन सिक्वेंशियल फाइल. क्लियर? तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन लॉग का मीनिंग बताया है. फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस चेक पॉइंटिंग आल्सो प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे टू परफॉर्म ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी चेक पॉइंट्स को यूज किया जाता है ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन के लिए. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द चेक पॉइंट इज ए टाइप, ये ही कट कर लेना, दैट द चेक पॉइंट इज ए टाइप ऑफ मैकेनिज्म वेयर ऑल प्रीवियस लॉग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिस्क. सो दूसरी वर्ड्स में अगर हम बोलें तो चेक पॉइंट क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ मैथड वेयर ऑल प्रीवियस लॉग्स आर रिमूव. जितने भी पुराने लॉग्स हैं उनको सिस्टम से रिमूव कर दिया जाता है और परमानेंटली डिस्क पे स्टोर कर दिया जाता है. डियर लर्नर्स, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम है जो चेक पॉइंट्स की है. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट. डायग्राम में आप देख रहे हो दीज आर द ट्रांजेक्शन T1, T2, T3 एंड T4. राइट, सो व्हेन ए सिस्टम विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन क्रैशेस एंड रिकवर्स इट बिहेव्स इन द फॉलोइंग मैनर. कि जब सिस्टम कंकरंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और क्रैश हो जाता है उस टाइम पे कैसे स्टेप्स के थ्रू जो डाटा है उसको रिकवर किया जाता है. ठीक है, तो द रिकवरी सिस्टम रीड्स द लॉग्स बैकवर्ड्स. सपोज T4 पे फेलियर आ जाती है तो जो रिकवरी सिस्टम है वो लॉग को बैकवर्ड से क्या करेगा? रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम द एंड टू द लास्ट चेक पॉइंट. और देखेगा कि लास्ट चेक पॉइंट कहाँ पे है. आप देख रहे हो T1 के पास चेक पॉइंट गिवन है.
इट मेंटेन्स टू लिस्ट, ये टू लिस्ट मेंटेन करेगा, वन इज अनडू लिस्ट एंड अनदर वन इज रीडू लिस्ट। इफ द रिकवरी सिस्टम सीज ए लॉग विद कमिट, अगर रिकवरी सिस्टम को कमिट मिलता है, इट पुट्स द ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन को किस में डाल देगा, रीडू लिस्ट में डाल देगा। और अगर इसको क्या मिलता है, इफ द रिकवरी सिस्टम सीज ए लॉग विद स्टार्ट बट नो कमिट, अगर उसको स्टार्ट मिलता है लॉग में, कमिट नहीं मिलता और अबोर्ट लॉग फाउंड नहीं मिलता, इट पुट्स द ट्रांजेक्शन इन द एंड अनडू लिस्ट। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको अनडू लिस्ट में डाल देगा। सो ऑल द ट्रांजेक्शन इन द अनडू लिस्ट आर देन अनडन एंड देयर लॉग्स आर रिमूव्ड। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे मैंने पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हो। ओवरऑल अगर आपको चेक पॉइंट समझ आ गया है तो ठीक है, अगर आपको अभी चेक पॉइंट की थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है तो मैंने एक और पैराग्राफ लिखा है, इसके थ्रू आपको चेक पॉइंट के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। द चेक पॉइंट इज लाइक ए बुक मार्क, जो चेक पॉइंट है वो क्या है, एक बुक मार्क की तरह है। वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन सच चेक पॉइंट आर मार्क, जब ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं उस टाइम पे इन चेक पॉइंट को मार्क किया जाता है। एंड द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन यूजिंग द स्टेप्स ऑफ ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स विल बी क्रिएटेड, और जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है तो एक फाइल क्रिएट होती है, दैट फाइल इज नोन एज लॉग फाइल। When it reaches to the checkpoint, जब ये checkpoint के पास पहुंचती है, then the transaction will be updated. तो जहां पे checkpoint मिलता है वहां तक की जितनी भी transaction है उनको database में update कर दिया जाता है। Until that point, the entire log file will be removed from the file. जैसे यार T1, T2, 3, 3, T4 आपने देखा था, तो T1 के पास checkpoint था, तो T1 तक जितने भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो एक जो उस ट्रांजेक्शन को डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाता है और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। देन द लॉग फाइल इज अपडेटेड विद द न्यू स्टेप ऑफ ट्रांजेक्शन टिल नेक्स्ट चेक पॉइंट एंड देन एंड सो ऑन। सो आई होप कि आपको चेक पॉइंट्स के बारे में पता चल गया होगा कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप अपने व्यूज के थ्रू मेरे को बता सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, और मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक प्रेस कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।